What's up guys, Sage here और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये आप पावर पॉइंट से कैसे बना सकते हैं। अब पावर पॉइंट मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि ये सबसे सिंपल है, बेसिकली चीज इलस्ट्रेटर से भी बन सकती है, बट हमें ईजी वाला मेथड चाहिए। तो पावर पॉइंट बहुत ही ईजी है बनाना पावर पॉइंट से ये चार्ट। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस टाइप का पाथवे आप पावर पॉइंट से कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड कलर सेट करना है। इसके लिए डिजाइन टैब में फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाके सॉलिड फिल पे क्लिक करिए। उसके नीचे जो कलर वाला ऑप्शन आएगा उस पर आप ग्रीन या जो भी आपका फेवरेट कलर है सबसे पहले आप वो सेलेक्ट करेंगे। अब आप इंसर्ट टैब्स में जाके शेप पे क्लिक करिए, उस पर राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट करिए और एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए। तो ये बेसिकली हमारे सेल की बाउंड्री की तरह काम करेगा। उस शेप को अपने हिसाब से रिसाइज करने के बाद अब आप उसके फॉर्मेट में जाके सेलेक्ट करके उसे फिल में नो फिल कर दीजिए जिससे वो ट्रांसपेरेंट हो जाए और उसकी आउटलाइन मैनेज करिए। तो सबसे पहले आप उसकी आउटलाइन का वेट बढ़ाइए, उसको हाईएस्ट 6 पॉइंट से जितना भी है उस पे ले आइए। उसके बाद उसी टैब में आपको नीचे मिलेगा मोर लाइंस, उसे खोल दीजिए। अब आप उसकी विड्थ अपने हिसाब से रिसाइज कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें कलर को लाइट कर रहा हूँ ताकि वो ओरिजिनल जो इमेज है उससे मैच करे। तो यहां तक हमारी बाउंड्री बन चुकी। तो अब मैं इसमें एक प्रोटीन ऐड करने जा रहा हूं जो हम दिखाएंगे। तो वो प्रोटीन कैसे बनेगा, तो शेप पे जाके एक और राउंडेड रेक्टेंगल बनाइए। तो हम इसके लिए कलर सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए बेसिकली अगेन शेप फिल पे जाइए, जो भी आपका कलर आप उसमें रखना चाहते हैं वो उसे दीजिए। उसके बाद शेप आउटलाइन पे जाइए, उसकी आउटलाइन खत्म कर दीजिए। तीसरे नंबर पे शेप इफेक्ट्स पे जाके आप वो प्रीसेट्स में देखिए, थोड़ा 3D टाइप का आएगा तो इससे बढ़िया सा लगता है, उसे सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद इसमें एक टेक्स्ट डालिए, जो भी आपको उसमें प्रोटीन का नाम देना है, जो भी उसमें लिखना है वो लिखिए। उसके बाद उसकी फॉन्ट वगैरह चेंज करिए जो आपको सही लगे। फिर फॉन्ट चेंज करने के बाद उसको थोड़ा सा रिसाइज करके थोड़ा पोजीशन में ले आइए। तो यहाँ तक हमने पहला प्रोटीन बना दिया है। अब हम एरोज बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, उस एरो की प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। बेसिकली उसका जो विड्थ है वो चेंज करिए, उसका कलर चेंज कर दीजिए। तो आपका ये एरो बन चुका। अब हम उसके ऊपर छोटा सा एक स्क्वायर बनाएंगे। इसके बाद जो स्क्वायर है उसको वाइट कर दीजिए, पूरा उसमें वाइट कर दीजिए, आउटलाइन रहने दीजिए उसकी। उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स बनाइए जिसमें आप उस जो भी पाथवे है उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आप। तो बेसिकली ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सैंपल पाथवे, हमें इसके जैसा बनाना है। तो अब हम F2 बनाने के लिए क्या करेंगे कि उसी वाले जो हमने F1 प्रोटीन बनाया है उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी या कॉपी करके पेस्ट कर देंगे एंड उसको अरेंज कर देंगे। तो अब क्या करना है, हमें फिर से इंसर्ट में एक एरो टाइप का बनाना है जिसमें हमने दूसरा फैक्टर मतलब F3 या जो भी था वो लिखा था। तब उसके लिए इंसर्ट पे जाइए, शेप्स पे जाइए, वहां से वो एरो टाइप का डिजाइन लीजिए, उसको ड्रॉ करिए एंड उसको अपने हिसाब से अरेंज करके उसमें वही करिए फिल, उसके कलर्स चेंज कर दीजिए, उसकी आउटलाइन हटा दीजिए एंड उसको अपने हिसाब से शेप कर दीजिए। तो जब आपने वो टेक्स्ट बॉक्स में अपना टेक्स्ट डाल दिया, उसको आपने वो कर दिया, तो आपने क्या करिए साइड में फॉर्मेट शेप में जाके टेक्स्ट ऑप्शंस में जाके उसको वहां पे करिए। वहां पे आप देखेंगे जो तीसरा वाला टैब है उसमें होगा उसका अलाइनमेंट, तो उसको रोटेट बाय 270 डिग्री वाले ऑप्शन से कर दीजिए एंड टेक्स्ट को अपने हिसाब से अरेंज करने के लिए आप उसका मार्जिन्स वगैरह चेंज करके उसको जैसा वो सही से बीच में है उसको वैसे ही सेंटर में ले आएंगे। तो अब हमें दूसरा एक और प्रोटीन बनाना है, लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए हमें यही वाला एरो चाहिए जिसपे एक स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, ये एरो और स्क्वायर को ग्रुप कर देंगे और इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल यानी कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हमको वो कॉम्प्लेक्स बनाना है जिसमें दो प्रोटीन और हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगेन फिर से वही इंसर्ट शेप राउंडेड रेक्टेंगल बनाएंगे, उसको कलर देंगे, उसको रिसाइज करके जैसे भी करेंगे एंड देन उसमें वही जो प्रीसेट जो हमने दिया था जिससे 3D टाइप का उसमें आता है उसी तरीके से हम उसको बनाएंगे। अब हमें इसमें दो प्रोटीन बनाने हैं, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल वही है जैसे पहले किया था। हम F1 को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देंगे, देन अगेन उसको कॉपी करके रिसाइज करेंगे, नीचे उसको कॉम्प्लेक्स वाला जो हमने वो व्हाइट कलर का स्क्वायर बनाया उसमें डालेंगे, ऐसे करके एक और कॉपी बनाएंगे, दूसरा प्रोटीन उसमें लिख देंगे, उसका कलर वगैरह चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो व्हाइट कलर का जो रेक्टेंगल टाइप है वो हमारा तैयार हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, उस टेक्स्ट बॉक्स में अपना वही जो भी लिखना है जैसे कॉम्प्लेक्स लिखा है उसे कॉम्प्लेक्स को लिखिए एंड देन उसका फॉन्ट वगैरह चेंज करिए, सब कुछ करके उसको वहाँ व्हाइट कलर के बॉक्स में डाल दीजिए।
अब हम क्या करेंगे, जो पिंक वाला है उसको हमें कनेक्ट करने के लिए एरोज बनाने, तो वैसे ही अगेन हम जाएंगे इंसर्ट शेप्स एंड देन वहां से दो एरोज बना देंगे, तो एरोज बनाएंगे उसको उस हिसाब से अलाइन कर देंगे। तो अब वो जो पर्पल सी शेप है उसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन इंसर्ट पे जाएंगे, वहां से शेप्स और ब्लॉक एरोज वाली कैटेगरी में उस टाइप का उसका एक एक साइड का होगा देखेंगे आप, उसको क्या करिए उसको ड्रॉ कीजिए एंड उसको डुप्लीकेट करके दूसरी साइड फ्लिप कर दीजिए एंड देन उन दोनों को ग्रुप कर दीजिए, तो आपकी एक वो वैसी शेप बन जाएगी। तो इसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं है, जब आपने ग्रुप कर दिया देन अगेन उसका कलर चेंज करिए, दोनों को सेलेक्ट करिए और उसके बाद उसका कलर चेंज कर दीजिए एंड देन उस पर वही प्रीसेट्स वगैरह डाल दीजिए, लेकिन इस बार थोड़ा दूसरी शेप चूज करना जिससे बीच में गैप ना। अब एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स बनाइए, उसमें जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है वो लिख दीजिए, उसको अपने हिसाब से फॉन्ट्स वगैरह डाल के रिसाइज कर दीजिए एंड देन उसको जो आपने शेप बनाई है पर्पल कलर की उसमें डाल दीजिए। अब हमको लेबल बनाना है, अब वो लेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अगेन इंसर्ट में शेप्स में जाके आप कॉल आउट देखेंगे, उसमें एक नीचे सबसे नीचे देखिएगा उस टाइप का एक स्क्वायर टाइप का आएगा लेबल, वो बना दीजिए, तो अपने हिसाब से रिसाइज करिए, उसमें कलर डाल दीजिए एंड उस पर जो भी आपका फंक्शन है वो लिख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक वो टेक्स्ट बॉक्स उठाएंगे उधर से, उस टेक्स्ट बॉक्स को हम इधर पे नीचे वाले पे जब पर्पल वाला है वहां कॉपी करेंगे, उसकी जो लिखा हुआ है उसमें वो चेंज कर देंगे, देन हमको वो एक डाइवर्जेंट फोक टाइप का बनाना है। तो फोक बनाने के लिए क्या करेंगे, अगेन वो एरो हम ऊपर से कॉपी करेंगे जो हमने ग्रुप बनाया था उस एरो और स्क्वायर का, वो से कॉपी करके उधर अलाइन करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे इंसर्ट से शेप्स में जाके एक क्रॉस वाला सा एक सर्कल होगा, हम वो सर्कल ड्रॉ करेंगे, देन क्या करेंगे उसकी जो कलर है उसको चेंज करेंगे, आउटलाइन चेंज करेंगे उसकी एंड देन उसको थोड़ा सा 3D लुक दे देंगे, तो वो जो क्रॉस और स्टार क्रॉस टाइप का जो सर्कल है वो बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे वो एरो टाइप का बनाएंगे उससे इंसर्ट से, उसकी आउटलाइन से उसका वेट चेंज करेंगे। अब आपने देखा होगा थोड़ा सा इधर मैंने कर दिया है क्योंकि उधर स्पेस की कमी होगी, तो प्लीज उसे माइंड मत करिएगा। अब वो एरो बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे ऊपर से, उस सर्कल में अगेन कलर फिल करेंगे, देन उसको 3D कॉम्प्लेक्शन जो उसका 3D वाला शेप है वो देंगे एंड देन उस पर एक और लाइन बना देंगे, उसको थोड़ा थिक कर देंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे सर्कल के बीच से एक कट लगा रखा है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा एरो वहां से कॉपी पेस्ट करके बनाएंगे, उसको नीचे की तरफ पॉइंट कर देंगे, देन हमें उसमें एक और प्रोटीन लिखना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स में हमने यहाँ बनाए थे, जो भी हमने पहले जो प्रोटीन के रेक्टेंगल बनाए थे वही लेंगे, उसको नीचे डालेंगे, वहां पे कॉपी पेस्ट करेंगे। अब आपने देखा होगा इसके आगे डैश्ड कलर डैश सी एक आउटलाइन है, तो उसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक और ऐसी राउंडेड रेक्टेंगल लेना है, उसको उसके आसपास ड्रॉ करना है, उसको उसके हिसाब से अलाइन करना है जो आपने प्रोटीन बनाया, देन क्या करिए उसकी फिल हटा दीजिए, लेकिन उसकी आउटलाइन में क्या करिए उसका वेट बढ़ाइए एंड देन वेट के बाद जो डैशेस है उसमें वो डैशेस डाल दीजिए, तो ऐसा लगेगा जैसे वो डॉटेड वाली जो जो लाइन छोटी छोटी लाइन वाली जो आउटलाइन है वो उस प्रोटीन में आ चुकी है। तो अब क्या करना है, उसके साथ साथ एक जुड़ा हुआ दूसरा भी प्रोटीन है, उसके लिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट मारेंगे, उसके बाद अलाइन करेंगे, देन उस दूसरे प्रोटीन का हम कलर चेंज कर देंगे, उसके साथ साथ हमें इस पे एक लेबल डालना है, अगेन जैसे मैंने ऊपर वाला आपको लेबल बताया था वैसी एक और लेबल डाल दीजिए कॉपी करके, उस लेबल का नाम चेंज कर दीजिए, तो इस तरीके से हमारा ये वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, जो वो सिंगल कट वाला सर्कल था उसको कॉपी पेस्ट करिए, उसका कलर चेंज कर दीजिए एंड देन उसको नीचे की तरफ अलाइन कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, एक और प्रोटीन बनाना है, वो आप कैसे बनाएंगे, बेसिकली अपना ऊपर वाला जो एक और प्रोटीन है उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करिए, उधर लगाइए, देन उसका कलर चेंज कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, लेबल बनाना है, वो लेबल कैसे करेंगे, अगेन ऊपर का कॉपी पेस्ट करिए, देन उसकी कंटेंट्स और उसका भी कलर चेंज कर दीजिए और उसको उसके साथ अटैच कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, एक एरो बनाना है, उस एरो को बनाने के लिए ऊपर से अगेन वो जो हमने एरो और स्क्वायर का ग्रुप बनाया था उसको कॉपी पेस्ट करिए, नीचे लगाइए, उस एरो को एक्सटेंड कर दीजिए जो हमारा लास्ट वाला जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं नीचे F8 जो है उससे अटैच कर दीजिए। अब अगेन इसमें एक और लेबल की जरूरत है, हम क्या करेंगे वही कॉपी पेस्ट कर देंगे एक वही पुराना लेबल, उसको उधर नीचे की तरफ नीचे वाले एरो पे लगा देंगे एंड देन हम उसका कलर और उसके कंटेंट्स चेंज कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा नीचे वाला जो पार्ट है वो बन जाएगा। अब F4 वाले का अलाइनमेंट थोड़ा सा खराब हो रखा है, तो अब मैं F4 वाले को थोड़ा सा अलाइन करूंगा, उसको थोड़ा सा सही कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारा मेन डायग्राम पूरा बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, एक लेबल डालना है जिसमें सेल लिखूंगा मैं, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स बनाइए एक आउटलाइन के साथ, उसमें डालिए, उसमें सेल लिख दीजिए, उसको उसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर दीजिए, तो ये आपका पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बनेगा, इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन
इंसर्ट शेप से जाके एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके वही कलर डालेंगे जो हमें चाहिए, देन उसको सेंड टू बैक कर देंगे, तो इससे वो रेक्टेंगल सबसे पीछे चले जाएगा, तो एक बैकग्राउंड का काम करेगा। तो अब हमारा पाथवे तैयार हो चुका है, अब इसको सेव करने के लिए कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करिए, एंड देन उसके बाद उन सबको ग्रुप कर दीजिए, एंड देन राइट क्लिक दबाइए, उससे सेव एज पिक्चर पीएनजी और जो भी आपको नाम देना है आप उस पर सेव कर दीजिए। तो अब मैं आपको खोल के दिखाता हूं कि वो इमेज कैसी बनी है, आप उसको वहां पे देख सकते हैं जहां भी आपने सेव करी होगी। तो गाइज आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो और ये हेल्पफुल हो तो प्लीज से लाइक करिए, इस पर अपना फीडबैक दीजिए एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ पावर पॉइंट से रिलेटेड, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।